फ्रेंड्स, मैं सिर्फ तस्नीम मोमिन, आई वेलकम यू बैक टू इंग्लिश क्लासरूम। सो गाइज, आज हम लोग कुमार भारती स्टैंडर्ड 10th एसएससी स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 2.5 लेट्स मार्च का पार्ट सेकंड देखेंगे। कल हम लोगों ने लेट्स मार्च का पार्ट फर्स्ट देखा। यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट द पार्ट फर्स्ट ऑफ द लेट्स मार्च चैप्टर। इट इज़ अ स्पीच बाय कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने ये स्पीच दिया था ऑन द ओकेजन ऑफ रिसीविंग द नोबल प्राइज फॉर द पीस इन 2014 में उनको नोबल प्राइज मिला फॉर द पीस। ही गॉट एन नोबल प्राइज। तो उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं टू रिमूव टू इरेडिकेट द ईविल डीड्स और मैन मेड क्राइसिस सच एज चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड स्लेवरी। जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी जो अपने समाज में जो कि एक बहुत बुरी एक जो बुराई है अपने समाज में, उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड अप टू आर कंट्री बट ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड ओवर 144 कंट्रीज। सो कल हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कौन कौन सी कंट्रीज में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ये वर्क किया, ये क्या बोलते हैं बचपन बचाओ आंदोलन, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। तो आज हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे। ओके, सो पार्ट सेकंड, वी कैन डू इट। फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, वो अपने स्पीच में बोल रहे हैं वी कैन डू इट, हम लोग ये कर सकते हैं। यू मे आस्क दैट वॉट कैन वन पर्सन डू। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्ड हुड। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट। ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे इंक्लूडिंग लॉयन हु इज द किंग ऑफ जंगल। The king of the forest, suddenly he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and she said, "I am doing my bit." तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, वो अपने बचपन की एक स्टोरी को रिकॉल कर रहे हैं अपने सामने और एक मरतबा दोहरा रहे हैं कि बचपन में उन्होंने एक कहानी सुनी थी, एक स्टोरी सुनी थी कि एक फॉरेस्ट में जो है आग लग गई और सब जो जानवर थे वो भागम दौड़ी करने लगे, भागने लगे। तो इवन द किंग ऑफ फॉरेस्ट, हु इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, वो भी भागम दौड़ी करने लगा। तभी लायन ने एक बर्ड को देखा कि वो अपने चोंच में, इन इट्स बीक, बीक मीन्स उसकी चोंच में पानी लेके जा रहा था। तो लायन ने उसको पूछा, तो क्या कर रही है? तो वो बर्ड ने क्या बोल रही कि मैं फायर, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, मैं जो आग ली गई है उस आग लगी है उसको बुझाने के लिए जा रही हूँ। तो लायन बोलने लगा, तेरे चोंच में तो सिर्फ एक ही बूंद पानी समाएगा, तो एक बूंद के पानी से थोड़ी ना पूरी आग बुझ जाएगी। तो लेकिन वो बर्ड क्या बोल रहे हैं, द बर्ड वॉज एडामेंट। एडामेंट का मीनिंग क्या है, एडामेंट का मीनिंग है वेरी श्योर, ही वॉज वेरी श्योर, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ना वो आग बुझा सकती हूँ। जैसे हम लोगों ने बचपन में ये भी मुहावरा हम लोगों ने सुना है कि कतरा कतरा जमा हो के क्या होती है, दरिया बनती है, तालाब बनता है। कतरा कतरा जमा हो के मतलब बहुत सारा वाटर पॉन्ड बनता है, ये एक मुहावरा हम लोगों ने सुना है। तो क्या होता है, छोटी छोटी स्टेप भी, छोटी छोटी कोशिश भी क्या होते हैं, हम लोगों को कामयाब करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor and it has happened. We did it. Millions of individuals did it. तो 18 years ago क्या हुआ, millions of individual, बहुत सारे million लोग, बहुत million लोगों ने marched across the globe, उन्होंने आगे बढ़े and demanded a new international law, और उन्होंने एक नए international law की demand की for the abolition का meaning है for the eradication or for the और to remove द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए, चाइल्ड लेबर को निकालने के लिए उन्होंने नए लॉ, इंटरनेशनल लॉ की डिमांड की।
फ्रेंड्स वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन. तो हम लोग किस एज में रह रहे हैं? रैपिड ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैज caused a growth in international trade and the exchange ideas and culture. तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपना बिजनेस, अपना जो इंटरेक्शन, अपने जो कंपनीज हैं, अपने जो सब कुछ वर्ल्ड वाइड लेवल पे लेके जाने को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. फॉर द ट्रेड, फॉर द मार्केट, फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द पीपल, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द न्यू कंपनीज, फॉर द इंटीग्रेशन अमंग पीपल कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स, इस सब को चीज को ग्लोबल लेवल पे लेके जाने के लिए क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. फ्रेंड्स वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन. वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट. वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. तो हम क्या है? एक सिंगल ग्लोबल मार्केट. ऑल ओवर द ग्लोबल मार्केट में हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं. थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect and there is a lack of compassion. Compassion means what? Compassion ka meaning diya hai yahan pe understanding or pity for somebody who is suffering. To hum logon ke beech mein hum logon ke andar kami kis baat ki hai? Sahanubhuti ki. Compassion ko hindi word kya hai? Sahanubhuti. हम लोगों के अंदर सहानुभूति की कमी है. लेट अस इनकल्केट एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू अ ग्लोबल कंपैशन. लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. तो क्या बोल रहे हैं? पूरे जो कंपैशन है, सहानुभूति का ग्लोबलाइजेशन करेंगे हम लोग, ऐसे बोल रहे हैं कैलाश सत्यार्थी. क्या बोल रहे हैं? ये जो सहानुभूति है, पीटी एंड कंसर्न फॉर दूज आर सफरिंग, जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए थोड़ी सहानुभूति अपने दिल में लानी चाहिए और उनका हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए. उनके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए. अभी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा कम करके लोगों के बारे में जो एक ह्यूमन क्वालिटी है अपनी, इसको भी हम लोगों को क्या करना है? उभारना चाहिए. महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन. I humbly add, let us unite the world through the compassion of our children. तो अगर इस दुनिया में सच में आप पीस चाहते हो, आप शांतता चाहते हो, शांति चाहते हो, तो we shall have to begin with the children. हम लोगों को अपने बच्चों से शुरू करने चाहिए, बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, बच्चों को अच्छा नॉलेज देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए और अच्छे विचार और डिवाइन और स्पिरिचुअल क्वालिटीज हम लोगों को बच्चों को सिखानी चाहिए. I ask whose children are these who teach footballs yet never played with one. मैं पूछता हूँ ये किसके बच्चे हैं जो कि फुटबॉल तो टीच कर रहे हैं बट दे डोंट प्ले विद द फुटबॉल. Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate. ये कौन से किसके बच्चे हैं जो कोकोआ के फील्ड में हार्वेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट येट दे डिडंट इवन टेस्टेड द चॉकलेट. तो ये किसके बच्चे हैं? ये तो अपने ही बच्चे हैं, ये तो अपना हमारे ही बच्चे हैं ना. हूज चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ एबोला. एबोला क्या है? अभी नाउ एट द करेंट सिचुएशन वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस. जैसा कि एक पेंडेमिक है, वैसे ही एबोला करके पेंडेमिक डिजीज है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है. जैसा कि हम लोग अभी पेंडेमिक कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, सेम एज एबोला करके अफ्रीकन सिटीजन्स जो हैं इस बीमारी से पीड़ित होते हैं. तो whose children are they who are kidnapped and held hostage. ये किसके बच्चे हैं ये जो किडनैप हो रहे हैं और बुरी तरह से मतलब काम किए जा रहे हैं, ट्रीट किए जा रहे हैं. ये क्या है? कैलाश सत्यार्थी अपने को ये सवाल कर रहे हैं. ये सब बच्चे किसके हैं? ये सब बच्चे अपने ही हैं. दे आर ऑल आर चिल्ड्रन. आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरजनरेशनल फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन क्वारीज. When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me
व्हाई डिड यू नॉट केम अर्लियर, तो वो याद कर रहे हैं, आई रिमेम्बर एन 8-year-old गर्ल, 8 साल की बच्ची को उन्होंने रेस्क्यू किया, आज़ाद किया, कहाँ से, शी वॉज वर्किंग इन स्टोन क्वारीज, जैसे कि कोल माइंस होती हैं, गोल्ड माइंस होती हैं, वैसे पत्थरों की भी एक खान होती है, जैसे कि ग्रेनाइट है, मार्बल है, ऐसे पत्थरों को निकालते हैं, तो वहाँ पे वो वर्क कर रही थी और इन्होंने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया, शी वॉज ओनली 8 years old. We could just imagine how can 8-year-old child can work in stone quarries. तो उन्होंने, उस लड़की ने उनको क्या सवाल किया? She was just sitting beside him at in his car and she asked him why don't you come earlier? आप पहले क्यों नहीं आए? मतलब उसका दर्द उनको बहुत महसूस हुआ, ये words उनको बहुत feel हुए. Her angry question still shakes me and has the power to shake the world. तो उनका ये जो वो लड़की का जो ये गुस्से से भरा हुआ सवाल था, वो सवाल उस लड़की का सवाल कैलाश सत्यार्थी को हिला के रख दिया, और even it can shake the world. तो क्या बोल रहा है, ये पूरी दुनिया को भी हिला के रख सकता है, ऐसा सवाल था. Her question is for all of us. ये सवाल हम सब लोगों के लिए है. What are we doing? हम लोग क्या कर रहे हैं? What are we waiting for? हम लोग किस लिए वेट कर रहे हैं? How many girls will be allowed to go without rescue? हम लोग कितने ऐसी लड़कियों को, मतलब बिना रेस्क्यू के कितने लड़कियों को हम अलाउ करेंगे, मतलब कितने लड़कियों को हम छोड़ रहे हैं बिना रेस्क्यू किए, बिना आज़ाद किए. Children are questioning our inaction and watching our actions. आप action क्यों नहीं ले रहे हैं, इस बात के लिए बच्चे जो है सवाल कर रहे हैं. कौन से बच्चे? Who are facing the problem of child labor and child slavery. We need collective actions with the sense of urgency. हम लोगों को collective actions means सब लोग मिल के हम लोगों के इस पर action लेना है. And a sense of urgency, और जल्दी लेना है, देर नहीं करनी है इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चे जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनका बचपन जो है इसमें छीना जा रहा है, उनकी खुशियां जो है इस चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी में ख़त्म हो रही हैं. एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स. Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our child. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. ये सबको सवाल कर रहे हैं, challenge कर रहे हैं कि why we are quiet, we are acting as an, why we are not taking the action, why we are neutral, why we are not supporting them, why we are not helping them. The Kaila Siddharthi is asking this question for us, for all of us. Now we will move to the part 3. I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children, slavery, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse and illiteracy. These things have no place in any civilized society. जो ये जो सब problems mention किए हैं, it are faced by the children. Slavery, गुलामी, trafficking का मतलब क्या होता है? तस्करी करना. जो भी illegal काम होता है वो बच्चों से कराया जाता है, जो drugs की तस्करी है या फिर कोई भी illegal चीज़ों की तस्करी है, it's called as trafficking. Child marriages, the children are getting married means उनकी शादी की जाती है उनकी उम्र होने से पहले, जवान हो, मतलब उनकी शादी की उम्र होने से पहले उनकी शादी की करवाई जाती है. चाइल्ड लेबर, बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है. सेक्सुअल अब्यूज़ होता है. एंड इलिटरेसी मीन्स बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं. इस सब चीज़ों की वजह से बच्चे क्या हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं. दे आर बिकमिंग इलिटरेट, दे आर नॉट हैविंग एनी नॉलेज, अनपढ़ बन रहे हैं वो लोग. सो वी हैव टू स्टॉप दिस, वी हैव टू वर्क फॉर दिस, वी हैव टू कम अक्रॉस टू स्टॉप ऑल दिस सिचुएशंस, ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन. फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस. फ्रेंड्स, हम लोग ये कर सकते हैं. कैलाश सत्यार्थी क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये
कर सकते हैं. गवर्नमेंट्स मस्ट टेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज उनको रिफॉर्म करनी चाहिए कि जो बच्चों के लिए फ्रेंडली हो, और ऐसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए जो यंगस्टर्स के लिए और एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें. बिजनेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स. इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टूगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन. ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज. फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन. हम सब लोगों को बच्चों के साथ में और बच्चों के भविष्य के साथ में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, और ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए विच आर द बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन. वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल. वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस. हम सब लोगों को एम्बिशियस होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए इस जो प्रॉब्लम को है इरेडिकेट करने के लिए. हम सब लोगों को आगे बढ़ना है पॉजिटिवली. ओवर 50 इयर्स एगो ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय स्कूल आई मेट अ कॉबलर बॉय माय एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माय स्कूल. तो ये जो 50 साल पुरानी बात बोल रहे हैं, 50 इयर्स एगो व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब भी कैलाश सत्यार्थी बच्चे थे, ही मेट अ चाइल्ड हु वाज अ कॉबलर. उनके स्कूल के सामने एक बच्चा बैठा था जो कि कॉबलर था, मींस ही इज मेंडिंग द शूज और ही मे बी पॉलिशिंग द शूज, जो कि उनके बराबर उनके ही एज का था. लेकिन ही इज सिटिंग बिहाइंड हिज स्कूल बट ही इज नॉट कमिंग टू स्कूल टू टेक एजुकेशन. आई आस्क्ड माय टीचर्स व्हाई ही इज वर्किंग आउटसाइड. तो उन्होंने अपने टीचर को पूछा. सो इससे हम लोगों को पता चलता है कि इनको बचपन से एक क्यूरियोसिटी थी कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, व्हाई ही इज नॉट एजुकेटिंग, व्हाई ही इज सिटिंग आउटसाइड, व्हाई ही इज वर्किंग. उन्होंने अपने टीचर को पूछा, टीचर ये बाहर क्यों बैठा है, Why he is not with us in the school? ये हमारे साथ में स्कूल में क्यों नहीं है? My teachers had no answer. टीचर के पास में आंसर नहीं था. One day I gathered the courage to ask the boy's father. He said, Sir, I have never thought about it. We are going to work. तो उन्होंने एक दिन हिम्मत करके क्या किया? उस लड़की के फादर को पूछा. उस लड़की के फादर से सवाल किया कि सर, why he you are not allowing your child to go in the school and take education? तो वो फादर क्या बोलते हैं, वो लड़के की बाप क्या बोलते हैं, हम लोग पैदा ही इसलिए हुए कि काम करें. हिज आंसर मेड मी एंग्री. इट स्टिल मेक्स मी एंग्री. ये जो उनका जवाब था, जो उसके फादर का जवाब था, ये उनको बहुत उस वक्त गुस्सा आया, और अभी तक उस जवाब का उनको गुस्सा आता है. एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग with me in my classroom. Now that tomorrow has become today. I'm today and you are today. Today is the time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. ये सब राइट्स हैं, ये हक है हर एक बच्चे के, टू टेक एजुकेशन, टू टेक, टू हैव अ डिग्निटी, रिस्पेक्ट टू उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, राइट ऑफ इक्वालिटी, उसको समानता मिलनी चाहिए अपने समाज में, एंड राइट टू पीस, उसके साथ में पीसली बिहेव करना चाहिए, बच्चों के साथ में शांततापूर्वक बिहेव करना चाहिए. वी शुड नॉट बिहेव रूडली विद द चिल्ड्रन, वी शुड नॉट फोर्स टू वर्क देम. दे हैव द राइट ऑफ राइट टू फ्रीडम. ये सब राइट्स उन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पे मेंशन किए हैं. Today beyond the darkness I see the smile faces of our children in the blinking stars. Today in every wave of every ocean I see my children are playing and dancing. Today in every plant, in every tree and mountain I see our children growing freely with dignity. तो ये उनके waves बता रहे हैं beyond the darkness. हर एक जो darkness के पीछे वो एक बच्चों की smile देख रहे हैं. बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों की फ्रीडम देख रहे हैं, बच्चों की डिग्निटी देख रहे हैं वो. फ्रेंड्स आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टूडे इन साइड यू. तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप लोग भी, फ्रेंड्स मैं ये जो फीलिंग मेरी है, ये मैं फीलिंग आपके अंदर भी देखना चाहता हूँ. माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एज आई सेड मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टूडे.
मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड्स क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज योर आईज एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू। तो क्या बोल रहे हैं, आप आंख बंद करके अपने दिल के अंदर झांक के अपने दिल के अंदर के बच्चे को तलाश कीजिए, अपने दिल के अंदर के बच्चे को खोजिए। आई एम श्योर यू कैन, नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज। और उस बच्चे को आप प्लीज सुनिए, उस बच्चे की बात सुनिए, उस बच्चे की पीड़ा सुनिए। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलाज एंड मार्टिन लूथर्स कॉलिंग ऑन अस। तो क्या बोल रहे हैं, आज मैं बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलाज और मार्टिन लूथर्स को, वो हम लोगों को आवाज़ दे रहे हैं फॉर द, क्यों आवाज़ दे रहे हैं, टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अवर सोसाइटी। इस प्रॉब्लम को अपने सोसाइटी में से रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए दे आर कॉलिंग अस। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, डेमोक्रेटाइज मीन्स मेक डेमोक्रेटिक। तो अपने नॉलेज को डेमोक्रेटिक बनाओ। लेट अस यूनिवर्सलाइज, ये लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, जस्टिस को मीन्स, जस्टिस मीन्स क्या, न्याय को यूनिवर्सलाइज करो, पूरे यूनिवर्स में फैलाओ। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, कंपैशन का मीनिंग क्या है, सहानुभूति। हम लोग क्या करें, सहानुभूति को ग्लोबलाइज करें, पूरी दुनिया में उसको लेके जाएं। I call upon you in this room and all across the world. I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty to shared prosperity. A march from slavery to liberty and a march from violence to peace. तो क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना है, कहाँ कहाँ से बढ़ना है, from the exploitation. Exploitation means मतलब क्या है, take undue advantage of, किस एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन की तरफ हम लोगों को मार्च करना है, पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ मार्च करना है, मींस आगे बढ़ना है हम लोगों को, स्लेवरी मींस गुलामी से लिबर्टी की तरफ हम लोगों को, मींस फ्रीडम की तरफ हम लोगों को आगे बढ़ना है, वायलेंस अत्याचार से पीस की तरफ मींस शांतता की तरफ मार्च करना है या मींस आगे बढ़ना है। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से, अंधकार से हम लोगों को रोशनी की तरफ आगे बढ़ना है। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टलिटी टू डिवाइनिटी, डिवाइनिटी मीन्स वॉट, स्टडी ऑफ रिलीजन और स्टडी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो क्या बोला, लेट अस मार्च, ओके गाइज, इट्स अ नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच बाय कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को जब भी नोबल पीस प्राइज मिल रहा था तभी उन्होंने ये स्पीच दिया। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। ये चैप्टर हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया बिकॉज इट वॉज टू बिग चैप्टर। सो ये तो सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, हो गया होगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। Thank you guys.